Hello students, this is Praveen Patwari from Actuators Educational Institute, and today I'm going to discuss on the topic, is actuarial science really tough? तो इसपे मेरा टेक ये रहेगा कि सबसे पहला बात, आप एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए एनरोल करा रहे हैं, तो प्रोफेशनल कोर्स है इसका मतलब टफ तो है, और कोई चीज अगर टफ है तभी तो उसका इतना वैल्यू भी है। आपको 13 पेपर एक बार में नहीं देना है, आपको हर टर्म में एक बड़ा पेपर और एक छोटा पेपर देना है, और अगर आप इस तरीके से कंसिस्टेंटली इस कोर्स को परस्यू करेंगे तो 5 to 6 इयर्स में आपके सारे के सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। वी एट एक्चुएटर्स वी आर प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड ट्रेनिंग फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ एक्चुअल एग्जाम्स। आपको रेगुलरली पढ़ाई करना है, आपको रेगुलरली 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं एक पेपर के लिए। एक जो स्टैंडर्ड पेपर होता है जैसे कि CMCS, CP1, SPNSA, उसके लिए रिकमेंडेड स्टडी आवर्स इज 200 to 250 आवर्स, और अगर आप कोई अटेम्प्ट में 2 पेपर्स करते हैं तो 5 to 6 आवर्स का प्रेप टाइम चाहिए। और एक चीज सर, जॉब प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं? जॉब्स आज के दिन में अबंडेंस में है इन द फील्ड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड मेनी मोर फील्ड्स। जितने भी सारे कंसल्टिंग कंपनीज है, Big 4, I'll say Big 5, and many more companies are coming in from foreign and they are establishing their centers in India. There is application of mathematics and statistics in not all the 13 levels. Only जो आपका application है, वो है आपका CM1, CM2, CS1 and CS2. Because CB1 and 2 is not maths and stats. Again, SPSA, CP level is not maths and stats. CS1 एंड CS2 में आपको बहुत अच्छे लेवल का स्टैट्स मिलेगा। CM1 में है आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, CM2 में है आपका स्टोकेस्टिक कैलकुलस एंड स्टॉक मार्केट। सो ये मन में लाना कि सारे पेपर्स में बहुत ज्यादा हाई लेवल मैथ्स एंड स्टैट्स है, दिस इज रॉन्ग। डेफिनेटली 11 एंड 12 में मैथ्स रहना चाहिए, मैथ्स पसंद होना चाहिए, बिकॉज सब्जेक्ट जो है उसका कोर है स्टैट्स एंड मैथ्स। एप्लीकेशन है बहुत अच्छा खासा, विल बी यूजिंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव स्टडीड इन क्लास 11 एंड 12, मेनली कैलकुलस, सारा एप्लीकेशन बेस्ड है, विल बी यूजिंग देम टू अप्लाई इन रियल लाइफ सिनेरियोस। सो यस, द कोर्स इज इंटरेस्टिंग, प्रॉमिसिंग करियर, एटलीस्ट एक पेपर आप देके देखिए। यू कैन अपियर फॉर आइदर CM1 और CS1 एज योर फर्स्ट एग्जाम फ्रॉम IFOA, एंड यू कैन अपियर फॉर एक्चुअल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो भी होने वाला है दिसंबर में। थैंक यू।